वडोदरा में कल्याण नगर के विस्थापितों को माणेजा में आवास दिए गए हैं, लेकिन यहां पर भी तरह तरह की समस्याओं के चलते निवासी काफी परेशान हैं। वडोदरा महानगर पालिका ने कुछ सालों पहले कल्याण नगर का डिमोलिशन कर वहां के निवासियों को माणेजा में वोड़ा के आवास दिए थे, लेकिन यहां बिजली पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है, न ही यहाँ साफ सफाई होती है। बार बार मामले पर आवाज उठाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में यूथ कांग्रेस की अगुवाई में निवासियों ने फिर एक बार प्रदर्शन करते हुए आने वाले इलेक्शन में वोट नहीं देने की बात कही है। माणेजा है सीमेंस कंपनी के पास उड़ा के मकान टेम्पर वारी करके मकान दिया है। पानी या रोड कोई का अपना को सुख नहीं है। ये वोटिंग कोई को मिलेगी नहीं, वोट लेने कोई आना नहीं बराबर। और जो पैसे वाला था वो निकल गया यहाँ से, भाड़ा भरा फोगट में रहे बरोबर। अभी एक महीने का एग्रीमेंट करा के चले गए बरोबर। जो पैसे वाला है वो निकल गया, जो गरीब रोज लाके रोज खाने वाला इंसान यहीं पड़ा है बरोबर। इतने कोटिंग कोई को मिलेगी नहीं, रोड और पानी की सुविधा नहीं होगी या हमारा कोई जगह हमारा रास्ता नहीं होगा तो हम वोट कोई को देंगे नहीं। और जो वोट देने निकलेगा उससे हम झगड़ा करेंगे बरोबर। और गंदगी इधर और इधर चारों बाजू देख लो, सब बच्चे बीमार पड़ते, रोज दवाखाने में 200-500 रुपए आते हैं। मजदूर इंसान लाएगा खाएगा कासी कमाएगा कासी सब सोचने का। यह समस्या वो है क्या, कितने दिन से लाइट नहीं है, लाइट के वजह से पानी भी नहीं है, पानी अब बिकाता लोग लाके भर रहे कासी लाके बिकाता। एक एक घर के अंदर फैमिली देखो तुम जाके ने, रोज का पानी 100-200 रुपए का पानी इंसान भर के लाएगा या घर में फैमिली को खाना वाना खिलाएगा। घर में पहले 60,000 रुपए लाइट बिल था और सरकार ने 1,24,000 बिल बताया। गरीब बस्ती लावे कासी, सरकार को इतनी हमारे यहाँ से विनंती है कि हमारा जो भी लाइट बिल है उसमें से आधा माफ कर दे और गरीब बस्ती आधा भरने तैयार है। बाकी तुम ऐसा बोलोगे कि 1,24,000 जो बिल है वो तुम पूरा भरो, हमारे गरीब बस्ती के पास कोई के पास पैसा है नहीं और हम भरने वाले है नहीं। और जो और है नहीं कि गंदगी इतनी गंदगी हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे हो बीमार हो रहे, सबको मलेरिया है बुखार है ये, और औरतें यहाँ की माँ बहने बंगले पे जाती है घर का पूरा करती है और दवा लाएगी और बच्चों को देखेगी क्या क्या करेगी। इधर दिक्कत तो बहुत सारी है, 8 साल से यहाँ कचरे की गाड़ी में ला के डाला, किशनवाड़ी पची कलाली लिखा, बोले कि तुम यहाँ डैम परवारी रुको, टेम परवारी यानी परवारी जो गए बरोबर। हमने पैसा भरे नहीं है, पैसा भरवाने वाला है तो हमने पैसा भरा नहीं है कि हमको यहाँ से बदली करो। कहूँ कि यहाँ पानी से ले स्कूल से ले रोजी से ले सब चीज से बेकार इंसान है बरोबर। ये गंदगी तो एक तरफ रही, गंदगी साफ करने की एक तरफ रही, लेकिन हर चीज से इंसान सबसे बड़ी बात तो रोजी रोटी से ही परेशान है। ये जो गरीब लोग हैं उनके साथ ही अन्याय हो रहा है, उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात की जीवन जरूरत जो पानी होता है जो सबके नल के अंदर से आता है, ये पानी भी यहाँ पे इन लोग को नहीं मिल रहा है। इनको 500 से 700 मीटर दूर एक बोरवेल है, वहाँ से पानी भर भर के लाना पड़ता है। तो मतलब ये काफी गंभीर समस्या है और इसकी रजूआत कॉर्पोरेशन में की है पर कोई मतलब कॉर्पोरेशन कार्यवाही नहीं कर रही है। तो हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अगर 30 दिनों के अंदर एक महीने के अंदर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो यही आंदोलन को हम ज्यादा से ज्यादा उग्र बनाएंगे, जिसकी कॉर्पोरेशन के तमाम सत्ताधीशों को नोन लेनी जरूरी